उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी जिलों में वैसे तो 2013 की आपदा के बाद कई एनजीओ काम कर रहे हैं। इसी दिशा में गैर सरकारी संस्था समदृष्टि एजुकेशन सोसाइटी उत्तराखंड के खिरसू ब्लॉक में 10 परिवारों को चिन्हित कर इनको इको फ्रेंडली घर की सौगात देने जा रही है। आपको बता दें कि एनजीओ ने जिन लोगों को भी घर देने का फैसला किया उनमें विधवा औरतें और गाँव में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। ये संस्था पूर्व में भी नेपाल में आई त्रासदी के बाद वहाँ लोगों को दोबारा घर में बसाने के लिए और घर बनाने का काम कर चुकी है। ये प्रोजेक्ट स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए लेके आया गया है जो कि आफ्टर अर्थक्वेक जो है वो महिलाएं अकेली हो चुकी हैं, जहाँ पे उनके लिए कोई इस तरीके का लाइवलीहुड प्रोग्राम भी नहीं है। हम यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट और नेशनल टूरिस्ट टूरिज्म को प्रमोट करके उनके लिए लाइवलीहुड और ये सुरक्षित घर भी लेकर आ रहे हैं। नेपाल में हम लोग ऑलरेडी 221 घर बना चुके हैं वहाँ पर, और वहाँ पे बहुत दूर दूर से इंटरनेशनल टूरिस्ट और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं। इनफैक्ट इंडिया के भी आर्किटेक्ट स्टूडेंट, सिविल इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी को वहाँ पर जाके सीख रहे हैं। गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम होम डोनेट कर रहे हैं, स्पेशली विधवा महिलाएं। हमने ऑलरेडी 73 बेनिफिशरी आइडेंटिफाई किए हुआ है जिनके पूरे घर का सारा नक्शा वगैरह हमारा ऑलरेडी बन चुका है। आपको बता दें कि ये घर कोई आम घर नहीं, व्यापारी तकनीक से बनने वाले घर नहीं है। ये घर गुड अर्थ ग्लोबल अर्थ बैग तकनीक की मदद से पहाड़ों में बनाए जाएंगे, जो कि भूकंप रोधी, बर्फ में अच्छा इंसुलेशन और बरसात में पानी को रोकने का काम करेंगे। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने इस मुहिम में एनजीओ का साथ देने की बात कही। इस मौके पर वो खुद भी मौजूद रहे और उन्होंने एनजीओ को हर संभव मदद देने की बात भी कही। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारे इस उत्तराखंड में एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, मुझे लगता है कि अगर ये योजना साकार हो गई तो ये पलायन में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो हमारी सरकार का होम स्टे के नाम से पर्यटनों को यहाँ विशेष सुविधा, हम अपने उत्तराखंड की जो तस्वीर है उसको दिखाने में भी ये सार्थक होगा। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।